पत्र लिखा ने अपने आई बाबा के घर जाने का मन बना लिया है। कुछ दिनों के लिए मैंने उसे रोक तो लिया, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन यहां रुकेगी। पहिनी, हमारे सम्राट को गए हुए एक साल से ज्यादा हो गया है और इस एक साल में उसकी कोई खबर समाचार न्यूज भी नहीं आई है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब उसके लौटने की कोई उम्मीद भी। अच्छा सही बेटा, ये बता तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बुआ जी, आप ट्रिप के बारे में छोड़िए ना, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। सरप्राइज? देवा रे देवा, सरप्राइज? आप किस सरप्राइज के बारे में बात कर रही हो तुम? जब जब ये लड़की सरप्राइज के बारे में बात करती है ना, वही नहीं, मुझे तो डर लगने लगता है। पता नहीं अब कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाली है। अरे सोनाली, कोई नया ड्रामा सोचा होगा इसने अपनी झूठ और चालबाजी से सबका ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उमी मामा, हर बार ये कोई ना कोई नया नाटक तो करती रहती है। तो बताओ सही, इस बार कौन से सरप्राइज का नाटक करने वाली? किस किस के लिए गिफ्ट लेकर आई हो और किस किस को गिफ्ट देकर इंप्रेस करना चाहती? जैसे तुमने पिछली बार निनाद मामा को गिफ्ट देकर इंप्रेस किया था। बाकी दीदी, आपके सारे शक और आपके सारे सवाल बस कुछ ही देर में गायब हो जाएंगे। और आज आखिरी दिन है जब आप मुझ पर शक करोगी या मेरी हरकतों पर कोई सवाल उठाओगी या मुझसे ऐसे बिहेव करोगी। खैर, अभी वो सब जरूरी नहीं है, अभी जरूरी वो सरप्राइज है जो आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आएगा और खास तौर पर आपके चेहरे पर। पाकी दीदी, तुम बस करो सही, तुम अपना ये नाटक कम से कम मेरे सामने तो मत ही करो प्लीज। और तुम्हारे इस सरप्राइज में ना इस घर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरे आप लोगों ने इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? और कौन सा नया कारनामा कर दिया आप सही भाभी ने? अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, एंड आई एम श्योर आप लोग उस सरप्राइज से बहुत खुश होंगे। मस्त मस्त, सबको सरप्राइज देने का ठेका ले रखा है इन मियां बीवी ने, क्योंकि घर में सबकी खुशियों की चिंता सिर्फ इन दोनों को ही तो है। अगर ये ना हो तो क्या होगा हम सबका, है ना पत्र लिखा? हाँ बड़ी मामी, पता नहीं ऐसा क्या नया जादू का पिटारा लेकर आए ये दोनों। क्या सरप्राइज हो सकता है? इन दोनों की एनिवर्सरी थी ना, तो जरूर सनी बड़ा सा केक लेकर आया होगा और मोहित ने बाहर बलून लगा के रखे होंगे। वो सब देखकर हम सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम तो 5-6 साल के छोटे से बच्चे हैं। ना कोई केक है ना कोई एनिवर्सरी है। इनफैक्ट ये आइडिया मैं अपने दिमाग से बहुत पहले निकाल चुका हूं। बाकी ये सरप्राइज हम दोनों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में। इसीलिए सही की बात बार बार काटने के बजाय अगर तुम इसे सुन लोगी तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बात सीधे सीधे तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम पहलियों में बातें करना बंद करो विराट। और तुम दोनों ने ऐसा क्या सोच लिया मेरे लिए? और तुम दोनों होते कौन हो मेरी जिंदगी बदलने वाले?
मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद कर सकती हूँ, और इनफैक्ट मैंने तो फैसला कर भी लिया है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला, मूव ऑन करने का फैसला। इनफैक्ट मेरे इस फैसले में घर के सब लोग मेरे साथ, और मैं बस कुछ दिनों में अपने आई बाबा के घर जाने भी वाली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर एक बार, सिर्फ एक बार शांति से तुम सही की बात सुन लोगी तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसी क्या बात करने वाली है सही? सही, इतना रोमांच, कुतूहल, सस्पेंस क्यों पैदा कर रही हो? अरे बताओ ना जल्दी क्या है। बताती हूँ। आप लोग बाहर चलिए तो। चलिए। अगर? अरे चलिए, कहाँ? चलिए तो सही, प्लीज कहाँ? प्लीज चलिए, आइए आइए प्लीज। अंदर आ जाइए। कौन? कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट मैं तुमसे प्यार करती हूं। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।